नमस्कार। फिनाइल कीटोन्यूरिया पीकेयू के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात कर रहे हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में, जिसको शॉर्ट में पीकेयू कहते हैं, इस बीमारी को। अब ये जो लेक्चर है, इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, YouTube पे अभी आप जो लेक्चर देख रहे हैं, ये इस लेक्चर का पार्ट वन है। और पार्ट वन में हम जो इंट्रोडक्शन है पीकेयू का, उसका डिस्कशन करेंगे। अब इस लेक्चर का जो पार्ट टू है, तो उस पार्ट टू जो है, इस लेक्चर का पार्ट टू जो है वो ऐप पे रहेगा, जो एंड्रॉयड ऐप है उस पे रहेगा उसका पार्ट टू। और एंड्रॉयड ऐप पे ये जो लेक्चर है, इसका जो लोकेशन है वो भी मैं आपको बता दूं। आप जब स्टोर पे जाएंगे तो स्टोर में फोल्डर नंबर 4 है, जिसका नाम है जीन इंटरेक्शन 2। तो ये स्टोर पे फोल्डर नंबर 4 में, जो फोल्डर नंबर 4 जिसका नाम जीन इंट्रैक्शन 2 है, उसमें आप पार्ट 2 जो लेक्चर है वो पाएंगे। अब देखिए, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, तो इंट्रोडक्शन के बाद में ही देखिए, ये आपका जो पीकेयू का जो पेडिग्री है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर पीकेयू कौन से जीन की वजह से होता है, फिर पीकेयू के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पे है, पीकेयू के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो म्यूटेशन है, टाइप ऑफ म्यूटेशन, और नेम ऑफ द म्यूटेशन। पीकेयू के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो म्यूटेशन है, तो उसका प्रकार क्या है और उसका नाम क्या है। फिर ये जो बीमारी है पीकेयू, कौन से एंजाइम की एबनॉर्मलिटी जो है उसकी वजह से ये पीकेयू होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर दो ऐसे कॉमन म्यूटेशन है पीकेयू के लिए, जिसे कहते हैं कोडोन 408 और कोडोन 280, जिससे पीकेयू होता है। तो ये म्यूटेशन क्या है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर पीकेयू इन न्यू बॉर्न बेबीज, जो जो बच्चे जन्म लेते हैं पीकेयू के साथ में, उनमें क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसके बारे में। फिर ये जो है जेनेटिक स्क्रीनिंग ऑफ न्यू बॉर्न फॉर पीकेयू, ये जो है यहाँ पे लिखा है, न्यू बॉर्न यानी जो नए बच्चे हैं जो पीकेयू के साथ जन्मे हैं, उनका जेनेटिक स्क्रीनिंग किस तरह से। फिर यहाँ पे जो लिखा है, स्ट्रेटजीज फॉर ट्रीटिंग जेनेटिक डिजीज, ये जो बीमारी है इसको ट्रीट करने की जो स्ट्रेटजी है वो क्या। फिर देखिए, दो दो मैंने प्रॉब्लम जो हैं वो इंक्लूड किए हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो हार्डी वेनबर्ग जो प्रिंसिपल है, तो उसको अप्लाई करके ये पीकेयू के जो दो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1 एंड प्रॉब्लम 2, वो सॉल्व करेंगे हम। फिर ये टेबल, ठीक है, फिर ये पॉइंट नंबर 13, फिर ये 14, फिफ्टीन, 16, 17, 18, 19,
20, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, और लास्ट में लिविंग विथ पीकेयू, जो पीकेयू के जो पेशेंट हैं वो कैसा अपनी जिंदगी जिएंगे, है ना, उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं अब ये लेक्चर की। देखिए, अब ये जो फोटोग्राफ आप जो देख रहे हैं, ठीक है, अब ये फोटोग्राफ के नीचे बुक में जो लिखा है वो क्या लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये जो लड़की है, छोटी छोटी बच्ची है ये, तो देखिए यहाँ पे नीचे जो लिखा है फिगर, ठीक है, पी के यू एन एनवायरमेंट, पी के यू और पर्यावरण, दिस चाइल्ड हैज पी के यू। अभी आपने जो छोटी बच्ची देखी उनको पी के यू है, ठीक है, बट सी हैज फॉलो अ फिनाइल एलेनिन फ्री डाइट। लेकिन आपने देखा कि बच्ची जो है वो काफी खुश है और खेल रही है, तो ये जो छोटी बच्ची है उन्होंने क्या किया, फॉलो अ फिनाइल एलेनिन फ्री डाइट, वो अपना जो खाना पीना है उसमें फिनाइल एलेनिन नहीं लेते, एंड हैज डेवलप प्रॉपरली, और क्योंकि इन्होंने अपने डाइट में फिनाइल एलेनिन नहीं लिया तो उसकी वजह से उनका जो विकास है, उनका जो ग्रोथ है वो सामान्य तौर पे हो पाया। अब ये देखिए, अब ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, तो ये जो बोल रही है, ये जो लिखा है ये तो बुक में लिखा है, बुक जो है वो बोल रही है आपसे, मैं तो खाली इसको रीड आउट करके आपको समझा रहा हूँ। बायोलॉजी प्रिंसिपल, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत। तो जो जीव विज्ञान है, तो जो सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, उसका सिद्धांत है ना, क्या लिखा है, बायोलॉजी अफेक्ट्स अवर सोसाइटी, यानी जो जीव विज्ञान जो है वो हमारे समाज को असर करता है, और समाज किससे बना हुआ है, तो समाज जो बना हुआ है वो लोगों से बना है, इंसानों से बना है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे जो लिखा है, दी स्टडी ऑफ जीनेटिक डिजीज हैज समटाइम लेड टू ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट प्रिवेंट द हार्मफुल कंसिक्वेंसेस ऑफ सर्टन म्यूटेशन सच एज द वन एसोसिएटेड विद द पी के यू। तो जितनी भी बीमारियां हैं उनका हम जीन लेवल पे जाके, जो जनिन जो स्तर है, जीन जो स्तर है, उस स्तर पे जाके बीमारियों को जब हम पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, जीन लेवल पे जाके बीमारियों को समझने से लीड टू ट्रीटमेंट ऑप्शन, तो इन बीमारियों का हमको इलाज मिलता है ना, और इलाज मिलने से, इलाज करने से हम इंसानों का जो जीवन है वो बेहतर कर सकते हैं, है ना, इंसानों का जो दर्द है, पीड़ा है पेशेंटों की, वो हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, और जो हार्मफुल जो म्यूटेशन है, तो अभी तो आप जानते हैं जेनेटिक्स में काफी एडवांस जेनेटिक हो चुका है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो रिसर्च होता है, तो ऐसे जो डिफेक्टिव जो जीन है, जो म्यूटेशन है, उनको रिमूव करके जो डिफेक्टिव जीन के बदले जो हेल्थी जीन है उनको इंसर्ट करना सेल में, जीन थेरेपी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये काफी कुछ जो है अभी ये रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट, ठीक है। तो ऐसा ही एक प्रयास जो है, ऐसा ही एक एफर्ट जो है वो पीकेयू के साथ में भी जुड़ा हुआ है। चलिए, अब ये जो इंफॉर्मेशन है अब आप पढ़ सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे,
चले अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है, इन ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस हेटेरोजाइगस आर कैरियर, होमोजाइगस रिसेसिव आर अफेक्टेड बाय द ट्रेट। तो चलिए अब देखिए पहला जो पॉइंट आ रहा है, फिनाइल कीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन डिसऑर्डर कॉज बाय रिसेसिव एलील ऑन ऑटोसोम। तो ये जो बीमारियां हैं जिनका नाम है फिनाइल कीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे ह्यूमन डिसऑर्डर हैं जिनका होने की जो वजह है, जो कारण है वो क्या है, रिसेसिव एलील ऑन ऑटोसोम। ठीक है, इंसानों में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से जो 22 जो पेयर हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, एलील है, वो कहाँ पे हैं, ऑटोसोम पे रहते हैं। अब देखिए, मेनी अदर ह्यूमन जेनेटिक ट्रेट फॉलो अ सिमिलर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, और बहुत सारी जो जेनेटिक ट्रेट हैं हमारे वो इसी जो पैटर्न को फॉलो करते हैं आनुवंशिकता की। अब देखिए, दिस ट्रेट्स आर पास ऑन अकॉर्डिंग टू द पैटर्न नोन एज ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, और ये जो लक्षण हैं वो आगे कैसे पास होते हैं, यानी जो बच्चों में कैसे आते हैं, तो पैटर्न जो है उसका नाम है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है आनुवंशिकता, माता पिता में से बच्चों में और बच्चों में से उनके बच्चों में। तो ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लक्षण जो है वो आगे बढ़ना, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। अब देखिए, अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस जो है, इन विच इंडिविजुअल हु आर होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट एलील आर फ्री ऑफ सिम्टोम। तो जो होमोजाइगस डोमिनेंट हैं वो तंदुरुस्त होते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कैपिटल ए हो गया, ऐसे जो व्यक्ति हैं इनको कोई तकलीफ नहीं है ना। फिर और ये जो होते हैं आर नॉट कैरियर, ऐसे जो लोग हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, तो इनको खुद को कोई बीमारी नहीं है और ये तंदुरुस्त है, नॉर्मल है, और वो कैरियर भी नहीं है बीमारी के। अब हिट्रोजाइगट आर यूजुअली सिम्टोम फ्री बट आर कैरियर्स। ठीक है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस में जो हिट्रोजाइगस जो होते हैं, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसे जो हुए व्यक्ति, इनको खुद को कोई तकलीफ नहीं है ना, इनको खुद को कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बट आर कैरियर्स। तो कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये जो व्यक्ति है ये पुरुष है और इनकी जो शादी है जिनसे होती है वो भी कैसे हैं, वो भी इनकी शादी जिनसे होता है, इनका मैरिज जिनसे होता है वो भी कैसे हैं, हेटरोजाइगस हैं। तो इस परिस्थिति में इनके जो बच्चे हैं उनमें ये ऑटोसोमल रिसेसिव जो म्यूटेशन है, इनहेरिटेंस है, वो आ सकता है, बीमारी जो है वो आ सकती है ना। तो इनको खुद को, जो पेरेंट है, जो हिटरोजाइगट पेरेंट है, इनको खुद को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इनके बच्चे में जो बीमारी है वो आ सकती है। अब देखिए, पीपल हु आर होमोजाइगस फॉर रिसेसिव एलील शो द ट्रेट, और ऐसे जो लोग हैं जैसे स्मॉल ए हो गया, तो दोनों ही आप देखेंगे, दोनों ही जो एलील हैं वो कैसे हैं, रिसेसिव हैं। तो ऐसे दोनों जो एलील हैं रिसेसिव हैं, तो फिर इनको जो बीमारी है वो होगी है ना, इस परिस्थिति में। चलिए अब ये जो बीमारी है फिनाइल कीटोन्यूरिया, तो ये जो बीमारी है अपीयर्स इन अबाउट 1 of every 15,000 बर्ड्स, जो 15,000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उनमें से एक जो बच्चा है उसको ये बीमारी होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया की। अब देखिए, अफेक्टेड इंडिविजुअल कैन नॉट प्रोड्यूस एन एंजाइम दैट कन्वर्ट दी अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन टू अनदर अमाइनो एसिड टायरोसिन। ठीक है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो पीकेयू से ग्रसित हैं, जिनको पीकेयू की बीमारी है, वो क्या एक एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और ये जो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं
उस एंजाइम का काम क्या होता है, जो अमाइनो एसिड है फिनाइल एलिनिन, उसको वो दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, लेकिन इनके पास जो एंजाइम है वो मौजूद नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी गैर मौजूदगी में फिनाइल एलिनिन जो है उसका दूसरा अमीनो एसिड टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। तो अब फिनाइल एलिनिन जो है जिसका टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, एज अ रिजल्ट फिनाइल एलिनिन बिल्डअप इन द ब्लड। तो पेशेंट जो है, पीकेयू के जो पेशेंट हैं उनमें क्या होता है, जो खून है खून के अंदर जो रक्त है, रक्त के अंदर फिनाइल एलेनिन की जो मात्रा है, जो प्रमाण प्रमाण है वो बढ़ जाता है। और ये, और देखिए आपने फिनाइल एलेनिन, अब फिनाइल एलेनिन की मात्रा ब्लड में बढ़ गई है, तो फिर अब फिनाइल एलेनिन जो है इज कन्वर्टेड इन द बॉडी इनटू अदर प्रोडक्ट। तो अब जो फिनाइल एलेनिन की जो मात्रा बढ़ गई है, तो फिर उसका कन्वर्जन क्या दूसरे प्रोडक्ट में होता है शरीर में, है ना, इंक्लूडिंग फिनाइल पाइरुवेट। तो फिनाइल एलेनिन जो है इसका कन्वर्जन किस में होने लगता है, फिनाइल पाइरुवेट में। अब देखिए एलिवेशन इन बोथ फिनाइल एलेनिन एंड फिनाइल पाइरुवेट, अब क्योंकि शरीर में खून में फिनाइल एलेनिन और फिनाइल पाइरुवेट की जो मात्रा है जो बढ़ गई है, उसकी वजह से क्या होता है, जो जो दिमाग है उसको नुकसान होता है, ब्रेन जो है उसको नुकसान होता है, ठीक है, ब्रेन की जो टिश्यू है, ब्रेन के जो सेल हैं इनको हानि होती है, एंड कैन लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। और ऐसे जो पेशेंट हैं वो मेंटल रिटार्डेशन हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो बुद्धि क्षमता है उस पे असर होती है ना, जो जो बुद्धि है उसका विकास नहीं हो पाता, ठीक है, मानसिक जो क्षमताएं हैं वो कम होती हैं पीकेयू के पेशेंट में। देखिए अब इफ डायग्नोस अर्ली इनफ एन अफेक्टेड इन्फेंट कैन बी प्लेस ऑन अ फिनाइल एलेनिन रिस्ट्रिक्टेड डाइट। अब कोई बच्चा पीकेयू के साथ में पैदा हुआ, ये बीमारी के साथ में, और इस बात का अगर बहुत जल्दी पता लग जाए कि भाई कोई बच्चा जो है वो पीकेयू के साथ में पैदा हुआ, तो फिर ऐसे बच्चे को फिनाइल एलेनिन रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे रखा जाता है ना। और ये ऐसा जो डाइट है फिनाइल एलेनिन रिस्ट्रिक्टेड डाइट जो है वो क्या करता है, विच कैन प्रिवेंट द पीकेयू सिम्टम। तो उसकी वजह से क्या है, बच्चे को जो पीकेयू के जो सिम्टम है वो डेवलप नहीं होंगे, है ना। अब देखिए तो बच्चे का जो खुराक है, जो फूड है, जो डाइट है बच्चे का वो कैसा होना चाहिए, द डाइट मस्ट मेंटेन अ लेवल ऑफ फिनाइल एलेनिन इन द ब्लड हाई इनफ टू अलाउ नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब देखिए ऐसा नहीं है कि फूड जो है उसमें से फिनाइल एलेनिन जो है उसमें रहना ही नहीं होना, यानी उसका मात्रा जीरो नहीं कर देना है, ये जो डाइट है बच्चे का उसमें फिनाइल एलेनिन की जो मात्रा है ब्लड में वो इतनी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से जो नर्वस सिस्टम है, जो चेतातंत्र है, उसका जो सामान्य विकास है वो तो हो पाए, लेकिन बट बिलो इनफ टू प्रिवेंट मेंटल रिटार्डेशन। देखिए बट बी लो इनफ टू प्रिवेंट मेंटल रिटार्डेशन, लेकिन ये जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, वरना क्या है मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, है ना। तो यानी इन शॉर्ट क्या है कि जो फूड है बच्चे का उसमें फिनाइल एलेनिन की जो मात्रा है वो बहुत ही सीमित तौर पे अलाउ करना है। अब देखिए ट्रीटमेंट मस्ट बिगिन विद द फर्स्ट वन और 2 मंथ आफ्टर बर्थ। पीकेयू की खामी वाला जो बच्चा जो पैदा हुआ उसका जो ट्रीटमेंट है उसकी शुरुआत कब कर देना है, पहले या दूसरे जन्म जन्म के पहले या दूसरे महीने के बाद ही इस बीमारी का ट्रीटमेंट जो है वो शुरू शुरू कर देना है। और द ब्रेन विल बी डैमेज, अगर ऐसा नहीं करेंगे ट्रीटमेंट 1 या 2 महीने में नहीं करेंगे, तो बच्चा का जो ब्रेन है उसको डैमेज होगा, एंड ट्रीटमेंट विल बी लेस इफेक्टिव, और जो ट्रीटमेंट है उसकी असर जो है वो भी नहीं हो पाएगी। अब देखिए बाय यूनाइटेड स्टेट लॉ, यहाँ पे जो लिखा है,
By United States law, all infant born in the country are tested for PKU. ठीक है, तो आप देखिए अमेरिका जो है, अमेरिका में जितने भी नए बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका PKU के लिए टेस्ट कराना कंपलसरी है ना। अब देखिए फिनाइल फिनाइल कीटोन्यूरिएक्स, फिनाइल कीटोन्यूरिएक्स कौन है? इंडिविजुअल्स विथ PKU, ऐसे व्यक्ति जिनको PKU है, आर वॉर्न नॉट टू इंजेस्ट फूड और ड्रिंक कंटेनिंग दी आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिनको PKU है, जो फिनाइल कीटोन्यूरिक्स हैं, उनको ये चेतावनी दी जाती है कि भाई आप जो खाना खा रहे हैं और आप जो ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो प्रवाही आप ले रहे हैं, तो ऐसा कोई भी फूड या तो जो ड्रिंक है जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर, यानी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कि कृत्रिम कृत्रिम मिठास है ना लाने के लिए जो स्वीटनर यूज होता है उसका नाम है एस्पार्टेम। और इसका जो ट्रेड नेम है यानी कि जो मार्केट में जिस नाम से ये बिकता है एस्पार्टेम, उसका नाम क्या है? न्यूट्रा स्वीट। ठीक है, अब ये जो है एस्पार्टेम जो है वो करता क्या है वो देखिए। एस्पार्टेम जो है इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ द एमिनो एसिड एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनिन। एस्पार्टेम जो है वो किससे बना हुआ है? तो वो अमाइनो एसिड एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलेनिन, वो दोनों के जुड़ने से बना होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा मॉलिक्यूल है एस्पार्टेम, जो दो अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ के बना है, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलेनिन, दोनों जुड़ गए। अब ये एस्पार्टेम जो है वो क्या करता है? एस्पार्टेम बाइंड टू टेस्ट रिसेप्टर इन द माउथ। एस्पार्टेम जो है वो क्या, जो जो हमारा मुंह जो है, हमारा यानी कि जो पेशेंट है उनका, तो मुंह के अंदर जो जो टंग है उसमें, टंग में जो टेस्ट रिसेप्टर है उसके साथ में ये जुड़ जाता है, सिग्नलिंग दैट द सब्सटेंस इज स्वीट। और ये क्योंकि एस्पार्टेम जो है वो रिसेप्टर के साथ में जुड़ा, टेस्ट रिसेप्टर के साथ में, तो उसकी वजह से जो टेस्ट है वो कैसा आता है, तो वो मीठा टेस्ट आता है ना। अब देखिए हाउएवर इट हैज एसेंशियली नो कैलोरीज। तो ये कई बार, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको डायबिटीज वगैरह बीमारी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, जो शक्कर है, शक्कर यानी कि जिसको हम शुगर कहते हैं और जो यहाँ पे गुजराती में खांड बोलते हैं, तो जो शक्कर है या तो खांड है वो नहीं खाते हैं डायबिटीज वाले पेशेंट, तो फिर ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो लोग यूज करते हैं। तो ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर में क्या होता है, जो कैलोरी है वो नहीं बढ़ती। अब देखिए वंस इंगेस्टेड एस्पार्टेम इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट अमाइनो एसिड। और एक बार अगर किसी को PKU है और फिर क्या, PKU है और एस्पार्टेम वो लेता है ऐसा पेशेंट, तो क्या होता है, ये एस्पार्टेम जो है उसका उसका ब्रेकडाउन किस में होगा, तो फिनाइल अमाइनो एसिड, तो कंपोनेंट अमीनो एसिड, यानी कि वो जो ब्रेकडाउन है, तो जो दो अमीनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलेनिन, वो जो एक दूसरे से जुड़े थे वो ब्रेक हो जाएंगे, तो फिर तो एस्पार्टेम से जो फिनाइल एलेनिन जो रिलीज हुआ है ना, एस्पार्टेम लेने से फिनाइल एलेनिन जो रिलीज हुआ, तो फिर अब फिनाइल एलेनिन जो रिलीज हुआ, तो उसकी वजह से क्या है कि जो PKU का जो पेशेंट है, तो PKU का पेशेंट में क्या है, अब ये फिनाइल एलेनिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी और ये क्या है, ये हानिकारक हो सकता है ना, तो एस्पार्टेम लेना ये ठीक नहीं है PKU के पेशेंट के लिए। अब देखिए ये जो पॉइंट है, सम एलील्स हैव मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट्स। कुछ जो एलील हैं उनके उनका जो इफेक्ट है वो कैसा है, मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट है।
अब देखिए, मेंडल प्रिंसिपल वेयर फर्दर एक्सटेंडेड व्हेन इट वाज डिस्कवर दैट सिंगल एलील कैन इन्फ्लुएंस मोर देन वन फिनोटाइप। ठीक है, मेंडल के जो प्रिंसिपल हैं उनका एक्सटेंशन हुआ व्हेन इट वाज डिस्कवर, जब ये ढूंढा गया कि भाई सिंगल एलील जो है, एक ही जो एलील है, सिंगल एलील, देखिए यहाँ पे लिखा है सिंगल एलील कैन इन्फ्लुएंस मोर देन वन फिनोटाइप। एक जो एलील है, एक ही एलील, एक से ज्यादा, एक ही एलील एक से ज्यादा जो फिनोटाइप है, जो लक्षण है, जो कैरेक्टर है, जो ट्रेट है, इनको इफेक्ट कर सकता है, इनको, इनके ऊपर असर कर सकता है। तो इन सच अ केस, ऐसे किस्सों में वी से दैट एलील इज प्लियोट्रॉपिक। तो हम एलील को प्लियोट्रॉपिक कब कहेंगे, जब एक जो एलील है वो एक से ज्यादा जो फिनोटाइप है उसके ऊपर असर करेगा। देखिए, एन एग्जाम्पल इज द हेरिटेबल ह्यूमन डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब इसका जो एक एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का, तो वो क्या है, हेरिटेबल, हेरिटेबल यानी आनुवंशिक जो बीमारी है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये एक इसका एग्जाम्पल है। विच कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन एंड रिड्यूस हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। और ये फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है, इसमें क्या होता है, जो मानसिक जो विकास है वो नहीं हो पाता अच्छे से, एंड रिड्यूस हेयर, जो बाल जो हैं वो कम हो जाते हैं, और स्किन में जो पिगमेंट है वो भी कम प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, द डिजीज अकर इन पीपल हु हैव म्यूटेशन इन द जीन फॉर लीवर एंजाइम। ठीक है, ये जो बीमारी है PKU की, वो किसको होती है, ऐसे लोगों को होती है कि लीवर के अंदर, ठीक है, जीन है, और ये जीन में से जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है, वो एंजाइम क्या करता है, कन्वर्ट एमिनो एसिड फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन। तो अब देखिए, लीवर में जीन और जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। फिर विदाउट अ फंक्शनल फॉर्म ऑफ दिस एंजाइम, अब इस एंजाइम का जो फंक्शनल फॉर्म है, एंजाइम जो फंक्शनल एंजाइम के बिना फिनाइल एलानिन बिल्डअप इन द बॉडी टू टॉक्सिक लेवल, और एंजाइम की गैर मौजूदगी में क्या होता है, फिनाइल एलानिन का जो स्तर है वो शरीर में बहुत ही टॉक्सिक लेवल पे बढ़ जाता है। एंड दिस अफेक्ट डेवलपमेंट इन वेराइटी ऑफ वे। और ये जो बढ़ा हुआ जो लेवल है, वो जो विकास की जो प्रक्रिया है शरीर को, उसके ऊपर बहुत अलग अलग तरीके से असर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इतना जो इंफॉर्मेशन है वो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। अब ये जो लड़की है, ये जो छोटी बच्ची है, इनको आप देखिए, तो यहाँ पे लिखा है हेल्थी पर्सन विथ PKU, है ना। तो अब ये जो लड़की को आप जो देख रहे हैं, तो अब इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है अ पर्सन विथ PKU। ठीक है, जो पर्सन का जो फोटोग्राफ है वो अभी आपने देखा, अ पर्सन विथ PKU हु हैज फॉलो अ रिस्ट्रिक्टेड डाइट। ठीक है, ऐसे जो पेशेंट जिन्होंने अपने डाइट को कंट्रोल किया, फिनाइल एलिन की जो मात्रा है उसको काबू में रखा, तो
उसकी वजह से उनका जो विकास है डेवलप प्रॉपरली, उनके शरीर का जो विकास है वो सही तौर पे हो पाया। यहाँ पे एक टेबल दिए, एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स, है ना। तो ये तो ऑलरेडी हम लेक्चर ले चुके हैं, ये देखिए ये लेक्चर भी ले चुके हैं, सिकल सेल एनीमिया का, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये लेक्चर भी ले लिया, ये जो लेक्चर है ये भी ले लिया टाइसेक डिजीज का। अब ये जो फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ को आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर बनना ये क्या है, ये तो मंजिल है ना, लेकिन मंजिल तक पहुँचने के लिए यहाँ पे जैसे होता है ना, मंजिल तो ठीक है, मंजिल पे पहुँच जाओगे, लेकिन उसके लिए जो रास्ता है वो तय करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आप, है ना, तो ये जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU इज डायग्नोज वाया ब्लड सैंपल टेकन फ्रॉम न्यू बोर्न। तो अब ये, अब आगे का जो डिस्कशन है ना, उसको हम ऐप पे करेंगे। तो ऐप पे जो पार्ट टू है वो कहाँ पे रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे ये जो है मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है, मेरा जो नाम है ना, मनीष जे कोष्टी, तो मेरा जो नाम है वही मेरे मेरा जो नाम है वही मेरे ऐप का नाम है, ठीक है। और बुक्स बुक्स और स्टडी मटेरियल, ठीक है, इसके लिए आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये जो है ये टाइम पे 3 से 4 के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये जो है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और ये जो है ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है। तो इसी के साथ में अब ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है, अब यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त होता है। गुड नाइट, मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।